अक्सर विवादा विच रहण वाले पंजाब दे निजी स्कूल एक बार मुड़ तो विवादा विच आ गए ने। ताज़ा मामला सन्नती शहर लुधियाना तो है, जिथे एक निजी स्कूल दे प्रिंसिपल दा थर्ड डिग्री टॉर्चर देखन नूं मिलिया। इत्थे एलकेजी जमात दे बच्चे दी छोटी जी गलती कारण स्कूल प्रिंसिपल उसकी बुरी तरह कुटमार करता होया नजर आ रहा है। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया दे वायरल होने तो बाद परिवार वालों इंसाफ की मांग की जा रही है, पर इस मामले ते हुन चाइल्ड कमीशन ने भी सख्त एक्शन लिया ते पुलिस नू प्रिंसिपल खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। स्कूल प्रिंसिपल दी तशद्दद, एलकेजी दे बच्चे दी कीती कुटमार, वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल, परिवार ने कीती इंसाफ दी मांग, चाइल्ड कमीशन ने लिया सख्त नोटिस। ए वीडियो लुधियाना दे मुस्लिम कलोनी दे एक प्राइवेट स्कूल दी है, जिथे स्कूल दे मुखी यानी प्रिंसिपल ही हैवान बनिया नजर आ रहा है। दरअसल पीड़ित बच्चे ने दूजे विद्यार्थी नू पेंसिल मारी सी, जिस तो बाद गुस्साए प्रिंसिपल ने 2 दिन तक पीड़ित बच्चे दी कुटमार कीती। उसने दूजे बच्चिया तो उसनू फड़वा के मासूम बच्चे ते खूब डंडे बरसाए, जिस तो बाद मासूम बच्चा डरिया होया है। बच्चे ने गलबात दौरान दसिया कि प्रिंसिपल तो माफी मंगण दे बावजूद भी उसने खूब मारिया, जिसके चलते उसनू कई सट्टा भी लगिया ने। एक लड़के के पेंसिल लग गई थी तो इसलिए मार दिया सर ने पकड़वा के। तो जिन्होंने आपके साथ मारपीट की है वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं या वहीं पे पढ़ाते हैं? प्रिंसिपल है। उधर पीड़ित बच्चे दी मां ने स्कूल खिलाफ सख्त कार्रवाई दी मांग कीती है। उन्हें कहा कि इस तो पहला भी कई बार प्रिंसिपल बच्चे नु तंग परेशान करता रहा। उन्हें कई बार प्रिंसिपल नाल इस ते गलबात कीती पर उसने कोई ना सुनी। तो पहले तो इसे जमीन पर लिटा के मारा उन्होंने, ठीक है, कि जब ये चिल्ला रहा था मार रहा था, फिर जब ये काबू में नहीं आया तो फिर बच्चों को बुलाया, दो को इसके पैर पकड़वाए, एक ने हाथ पकड़े एक ने पैर पकड़े, उल्टा करवा के इसके खूब कूटा। तो आपको नहीं लग रहा कि बच्चे के साथ? हालांकि स्कूल प्रिंसिपल ने अपने ते लगे इल्जाम की सफाई देंदिया कहा कि जानबूझ के इस मुद्दे नु वड्डा बनाया जा रहा है, मैं मामूली कुटमार कीती सी, पर फिलहाल चाइल्ड कमीशन इससे सख्त है अते कार्रवाई दे निर्देश दे दिते ने। हुन देखना होवेगा कि स्कूल प्रिंसिपल ते की कार्रवाई हुंदी है। लुधियाना तो हरदीप चोपड़ा दी रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।